झाबुआ जिले के मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 168 करोड़ रुपए की कीमत की 112 किलो मेफेड्रोन ड्रग जब्त की है। दरअसल DIR ने मेघनगर में फार्मकैम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से संचालित फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की है। इस फैक्ट्री से 36 किलो पाउडर और 76 किलो लिक्विड रूप में ड्रग्स मिला है, जिसकी कीमत करीब 168 करोड़ रुपए बताई जा रही। जहां मामले में अधिकारियों ने फैक्ट्री को सील करने के बाद फैक्ट्री के डायरेक्टर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि यहां के रहवासियों और जनप्रतिनिधि धनसिंह भूरिया ने कई बार जिला प्रशासन से इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीले पानी को लेकर शिकायत की थी और प्रदर्शन भी किया था, लेकिन बावजूद उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पहले भोपाल में 1800 करोड़ और फिर झाबुआ में 170 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई, जिनकी जहरीली फैक्ट्रियों को गुजरात में परमिशन नहीं मिलती, उन्हें झाबुआ के मेघनगर में कैसे अनुमति मिल गई। कल जो झाबुआ में हुआ बेहद शर्मनाक है। पहले भोपाल में 1800 करोड़ की ड्रग्स पकड़ाई गई, फिर कल झाबुआ में 170 करोड़ की ड्रग्स मेघनगर तहसील से औद्योगिक क्षेत्र से पकड़ाई गई। क्या कारण है कि बाहर की एजेंसियों को मध्य प्रदेश में आना पड़ रहा है ताकि ड्रग्स को पकड़ सके? क्या मध्य प्रदेश की सरकार सो रही है? क्या मध्य प्रदेश की पुलिस को भनक तक नहीं लग रही है कि इतना बड़ा रैकेट चल रहा है? क्या मध्य प्रदेश पूरे देश में ड्रग्स का हॉटस्पॉट बन गया है? और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जिन फैक्ट्रियों को, जहरीली फैक्ट्रियों को गुजरात में जगह नहीं मिलती, उनको मेघनगर के औद्योगिक क्षेत्र में आराम से परमिशन मिल जाती है। क्या इसमें सरकार की मिलीभगत नहीं है? और पहले ही शराब के कारण युवा बर्बाद हो रहा है, झाबुआ जिले का आदिवासी बर्बाद हो रहा है, और अब ड्रग्स के कारण जगह जगह लोग तबाह हो रहे हैं, परिवार तबाह हो रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि लाल पानी की समस्या इस औद्योगिक क्षेत्र के कारण आज पीने का पानी तक मेघनगर और आसपास के क्षेत्रों में नहीं बचा है। सरकार को जागना चाहिए इससे पहले कि पैसों की लत के चक्कर में सरकार सारे युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दे। मेघनगर केमिकल फैक्ट्रियों द्वारा आए दिन कुछ न कुछ ये केमिकल फैक्ट्रियां हो रही है, जो सभी केमिकल फैक्ट्रियां अवैध है। अभी कुछ ही समय पहले यहाँ मेघनगर की फैक्ट्रियों से 168 करोड़ की 112 किलो मेफेड्रोन जब्त किया गया है और डायरेक्टर सहित 3-4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यहाँ की सभी केमिकल फैक्ट्रियाँ अवैध है। हम प्रशासन से ये अपील करेंगे कि इन सभी फैक्ट्रियों को बंद किया जाए। और इतने काफ़ी समय से हमारा लगातार हिंदू या जनजाति संगठन से आंदोलन रहा है, तो आज तक प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, जिसका ये नतीजा आज देखने को मिल रहा है। हम यही अपील करेंगे कि प्रशासन इन सभी फैक्ट्रियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। धन सिंह भूरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष, हिंदू युवा जनजाति संगठन, जनपद पंचायत सदस्य, झाबुआ। नगर का इंडस्ट्रियल एरिया है, फार्मा केमिकल प्राइवेट लिमिटेड है ये। 12 तारीख के रोज नारकोटिक्स विभाग ने यहाँ पर छापा मारा था और ड्रग्स की काफ़ी गोलियाँ पकड़ी। इनके हिसाब से जो ये पेपर लग रहा है, इसके अंदर 168 करोड़ रुपए की ये MD ड्रग्स पकड़ी गई है। और नारकोटिक्स विभाग के जब अधिकारी यहाँ पर आए थे तो स्थानीय पुलिस को इसकी कोई न कोई सूचना थी और न ही कोई उनको पहले अवगत कराया है, परंतु नारकोटिक्स विभाग ने रातों रात 12 तारीख को रातों रात छापा यहाँ पर इस इंडस्ट्री एरिया के अंदर मारा है। ये जो कंपनी है गुजरात की कंपनी है, इसके मालिक हैं विजय और इनका पूरा जो राठौर परिवार है वो है। और 168 करोड़ रुपए की जो इन्होंने MD ड्रग्स पकड़ी है, कुछ केमिकल्स भी पकड़ा है इन्होंने, और केमिकल्स की मात्रा इन्होंने बताई है 76 किलो लिक्विड जो इनको मिला है। फैक्ट्री के डायरेक्टर सहित 4 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है और 4 ही लोगों को नारकोटिक्स विभाग की पुलिस अपने साथ ले गई है। अब आगे देखना है कि आगे और कुछ क्या खुलासा होता है। इसके पूर्व भी नारकोटिक्स विभाग ने भोपाल के अंदर 1800 करोड़ रुपए की कम से कम ड्रग्स पकड़ी थी। और ये झाबुआ जिले में कब से चल रहा है ये फैक्ट्री का माल, ड्रग्स का माफियाओं का काम, पत्रकारों ने, मीडिया ने हमेशा ड्रग्स के मामले झाबुआ जिले में काफ़ी उठाए हैं।
क्योंकि इस ड्रग्स के मामले में यहाँ की युवा पीढ़ी जो आदिवासी बाहुल्य जिला है झाबुआ जिला, इसके अंदर आदिवासी जो लड़के हैं वो काफ़ी ड्रग्स के मामले में इसके हैबिचुअल हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, इस इतनी बड़ी फैक्ट्री के अंदर ये ड्रग्स जब बन रहा है तो अभी तक क्यों नहीं पकड़ा? बड़ा ये एक प्रश्नवाचक चीज है यहाँ पर, क्योंकि ये जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है इसके अंदर हम पत्रकार लोगों ने, मीडिया ने इस केमिकल प्लांट से जो जहरीला पानी भी निकल रहा है उसकी भी खबरें उठाई थी हम लोगों ने, और इस जहरीले पानी से कितने पशु की मौत भी हो गई थी, जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है, आदिवासी किसानों की यहाँ पर खेतियाँ भी प्रभावित हो रही है, परंतु जिला प्रशासन इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 12 तारीख को जब ये नारकोटिक विभाग के अधिकारियों ने इस थर्मा केमिकल के ऊपर जब छापा मारा, 4 लोगों को गिरफ्तार किया और 168 करोड़ रुपये से अधिक की MD ड्रग्स जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं सरकार के द्वारा वो पकड़ी, तो अब पूरे ज़िले में हलचल मच गई है। बात 12 तारीख की है, अखबारों के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर ये बात आज जाहिर हुई। झाबुआ से शागिर मंसूरी, खबर मत।